أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students. امید کرتا ہوں کہ بیٹے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم اپنا لیکچر نمبر 2 کرنے جا رہے ہیں, جس کے اندر بیٹا آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے 2.3 ایکسرسائز. اس کا کوشچن ہم فرسٹ بیٹا دیکھتے ہیں. ایکسپریس ریڈیکل ایکسپریشن ان ایکسپوننشل روٹیشن اینڈ ایکسپوننشل انٹو ریڈیکل روٹیشن. तो सबसे पहले बेटे आपको ये पता होना चाहिए कि रेडिकल क्या होता है और एक्सपोनेंशियल क्या चीज़ होती है. जी कोई भी बेटे चीज़, कोई भी वैल्यू आपको अगर बेटे किसी रूट के अंदर लिखी हुई है, ये जो रूट बेटा होता है ना, ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, बेटा इस तरह कोई भी रूट आपको दिया होता है बेटे, उसको बेटा हम बोलते हैं रेडिकल. ठीक है. और जो बेटे इस तरह पावर फॉर्म में बेटा हमें जब कोई चीज़ हमें मिल जाती है, जब हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं बेटे, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. यानी पावर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटा एक ही चीज़ है. ठीक है. अब क्वेश्चन था कि अगर बेटा आपको रूट फॉर्म में यानी रेडिकल में आपको कोई एक क्वेश्चन गिवन है, उसको बेटा आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है उसको बेटा आपने चेंज कर देना है रेडिकल फॉर्म में. तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिएगा, -64 बेटा, और इसके ऊपर क्यूब रूट है. ठीक है. अब आपको पता चल जाएगा बेटा, जो जो स्केयर रूट बेटा होता है ये 1/2 के इक्वल होता है, और जो अगर इसके अलावा बेटा कोई भी अगर क्यूब रूट आ जाए, फोर्थ रूट आ जाए, फिफ्थ रूट आ जाए, ठीक है बेटे, तो आप आपने सिंपली उसको सिर्फ पावर फॉर्म में राइट कर देना है, और ये मेरे पास बेटे कौन सी फॉर्म बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन आप देखते हैं बेटे, 2 की पावर बेटा हमें दी है 3/5. यहाँ पे आप लोग और से बेटा चीज़ देखेगा कि एक बेटा 3 है नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 5 है. तो बेटे जो ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाला नोमिनेटर बेटे, वो नंबर की बेटे सिंपल पावर है. ठीक है. और जो नीचे वाला है बेटा, उसको आपने 1/5 करके उसको डबल पावर में उसको राइट कर देना है. ठीक है. अब ये देखिएगा बेटा, ये 2 की पावर 3 है, और ये जो 1/5 है बेटे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और आपने इसको बेटे चेंज कर देना है रेडिकल फॉर्म में. यानी ये फिफ्थ रूट बन जाएगा और 2 की पावर 3 बेटे एस डीज ही हमारे पास आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट नीचे वाला क्वेश्चन बेटा देखते हैं. जी ये हमारे पास बेटा हमें दिया हुआ है 2 की पावर -2/3. सेम बेटा जैसे ऊपर वाला क्या है वैसे बेटा हम इसको भी करेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम पावर बेटे सेपरेट कर लेते हैं. -2 बेटा नोमिनेटर वाला ये पावर पावर में आ जाएगा, और ये वाला जो है 1/3 बेटा हमें इसको डबल पावर फॉर्म में राइट कर दिया. ठीक है. अब बेटा ये क्यूब रूट है नज़र आ रहा है बेटे आपको. अब आपने इसको इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया. अब इसको आपने बेटा किस में चेंज कर देना है, रेडिकल फॉर्म में. और बेटे वाई की पावर -2 वैसे ही, और ये जो क्यू ये जो एक्सपोनेंशियल पावर थी यानी 1/3 बेटे, ये किस में चेंज हो जाएगी, रेडिकल फॉर्म में. नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 बेटे ऑब्जेक्टिव है, वो आप लोगों ने खुद करना है, क्योंकि जब आपको ये समझ आ जाएगा ना तो बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 खुद ही कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा देखते हैं, सिंप्लीफाई रेडिकल एक्सप्रेशन. अब क्वेश्चन नंबर 1 बेटे हमने सिंप्लीफाई नहीं करना था, जस्ट हमने कन्वर्जन करनी थी रेडिकल से एक्सपोनेंशियल पे, एक्सपोनेंशियल में, और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में चेंज करना था. तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमने सिंप्लीफाई भी करना है. ठीक है. तो सबसे पहले बेटा आप देखेंगे हमें बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक -125, और ये क्यूब रूट में इसको दिया हुआ है. सबसे पहले बेटा आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेना है, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है. अब ये क्यूब रूट है बेटे, ये आ जाएगा 1/3 पावर फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है. अब बेटा ये 125 है बेटे, इसके बेटा आपने करनी है फैक्टराइजेशन. नज़र आ रही है आपको बेटे, फैक्टराइजेशन कर लेनी है. और ये आपको नज़र आ रहा है बेटे, ये 3/5 यानी ये बन जाएगा बेटे 5 की पावर 3, और ऊपर इसके बेटे आ रहा है 1/3. अब ये 3 और ये बेटा 3 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास बेटा सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, -5. ठीक है. ऐसी सेम बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. जी बेटा ये आपको दिया हुआ है 3/32, और फिफ्थ रूट बेटा दोनों का है. ठीक है. यहाँ हमारे पास सिंगल का था, यहाँ बेटा हमारे पास दोनों का आ रहा है. तो यहाँ सबसे पहले बेटा आपने ये देखना है कि सबसे पहला काम आपने बेटे दोनों का जो रूट है वो सेपरेट कर लेना है. यानी 3 का भी बेटा फिफ्थ रूट सेपरेट कर लिया, और 32 का भी फिफ्थ रूट सेपरेट कर लिया. अब ये जो 3 है बेटे, ये एक प्राइम नंबर है. ठीक है. और इसकी बेटा हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, यानी ये जस्ट इसको ऐसे ही राइट करेंगे. अब ये जो 32 है बेटा, इसके हमने बेटे फैक्टराइजेशन कर लेनी, ऐसे आपको नज़र आ रहा है बेटे. अब ये बन जाएगा बेटे 2 की पावर 5 बन जाएगा. ठीक है. और ये जो बेटा फिफ्थ रूट था यानी जो रेडिकल फॉर्म थी बेटे, इसको आपने चेंज कर लेना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. और ये वाला 5 बेटा और ये वाला 5 बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आप बस बेटे सिंपली ऊपर क्या रह जाएगा, 3 के बेटे ऊपर फिफ्थ रूट आ जाएगा, और नीचे बेटे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. तो ये थी बेटे आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3, और ये कंप्लीट हो चुकी है. और इसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं बेटे, एक एक दो दो पार्ट्स से हैं. ठीक है.
वो आप लोगों ने घर में बैठे खुद ट्राई करने हैं। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़।